नमस्कार, दृष्टि आईएएस की डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले की एक खबर आ रही है, नए मृत सागर स्क्रॉल्स के टुकड़ों की खोज की गई है। आइए देखते हैं इस खबर में क्या कुछ खास है। इसराइल के विशेषज्ञों ने हाल ही में नए मृत सागर यानी डेड सी स्क्रॉल्स के टुकड़ों की खोज की घोषणा की है। इसराइल के पुरातत्वविदों ने बाइबिल के टेक्स्ट को प्रभावित करने वाले दर्जनों नए मृत सागर स्क्रॉल्स के टुकड़ों की खोज की है। मान्यता है कि ये टुकड़े लगभग 1900 साल पहले रोम के खिलाफ यहूदी विद्रोह के दौरान छिपी एक रेगिस्तानी गुफा में पाए गए थे। चर्मपत्र के टुकड़ों में जरकयाह और नहूम की किताबों की यूनानी पाठ की पंक्तियां शामिल हैं। नए टुकड़ों को द केव ऑफ हॉरर के नाम से जानी जाने वाली साइट में पाए जाने वाले चर्मपत्र के टुकड़ों से जुड़ा माना जाता है। यह नाम 1960 के दशक में खुदाई के दौरान वहां मिले 40 मानव कंकालों के कारण रखा गया था। ऐसी मान्यता है कि 132 और 136 एडी के बीच सम्राट हैड्रियन के शासनकाल में रोम के खिलाफ हुए बार कोजबा विद्रोह के दौरान गुफाओं में इन टुकड़ों को तोड़ा गया होगा। मृत सागर को सी ऑफ डेथ या साल्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी एशिया में जॉर्डन और इसराइल के मध्य स्थित है। मृत सागर साइरो अफ्रीकन ड्रिफ्ट में अवस्थित है। यह सागर लगभग 304 मीटर गहरा है। इसका लवणीय स्तर यानी सैलिनिटी लेवल लगभग 34.2% है, जो इसे पूरी दुनिया के सबसे खारे जल निकायों में से एक बनाता है।